रुकनी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशस्तें मिलेंगी या फिर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से 26 जनवरी को कमीशन को लिखा गया खत भी मंजर आम पर आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं चाहिए तो आप इन्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइलमी का इजहार कर दिया। कहा पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सियासी जमात वो है जो इंतखाबात में हिस्सा ले, अगर वो पार्टी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त पर उनका नाम और इंतखाबी निशान क्यों है। मेंबर इकरामुल्ला ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब में कहा कि बेशक खत्म कर दें लेकिन इसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन के बाद तरजीही फहरिस्त जमा करा सकती है। फारूक एश नायक की मुखालफत, कहा तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त इलेक्शन से पहले गुजर चुका है।